तो अभी हम तैयार हो चुके हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं मेला, तो देखते हैं मेला में कैसा एंजॉय आने वाला है। तो फिलहाल वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, बहुत एंजॉय आने वाला है। तो देखते हैं, वहाँ काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग, जहाँ आपको पूरा भरपूर मज़ा मिलने वाला है। तो चलिए लास्ट वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, फिर देखते हैं मेला में। फाइनली ऑटो मिल गई है, तो फिलहाल ऑटो में अभी बैठने हैं। काफ़ी ज़्यादा भीड़, जो टिकट लेने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना कर रहा है पड़ना है। तो फिलहाल अभी आप देख सकते हैं, दो से तीन आदमी के बाद मेरा नंबर आ जाएगा, तो फिलहाल टिकट लेते हैं अभी। उपयोग नियम पालन में करे सहयोग, कोरोना काल का सावधानी। अंदर आ चुके हैं, अंदर में काफ़ी ज़्यादा भीड़, तो चलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। फिलहाल अभी देख सकते हैं आप का व्यूज, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है, जो कि यार यही एंट्री गेट, और ये चलने की समस्या, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है रोमांस में, जो काफ़ी चलने में कठिनाई हो रही है। तो फिलहाल अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल तो यहाँ पे गार्ड है और काफ़ी ज़्यादा भीड़, जो मैं आगे बढ़ते हुए फिलहाल, जो कि यहाँ पर गन से बैलून फोड़ते हुए आप देख सकते हैं, ये गेम कितनी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रही है देखने में। तो आप भी, अगर आपको भी शौक है, तो यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिलहाल जैसे ही हम लोग ने आगे बढ़ा, तो फिलहाल यहाँ पे देख सकते हैं कि ये गेम काफ़ी ज़्यादा बच्चों को पसंद आ रही है। तो फिलहाल आप इस वीडियो में देख सकते हैं, और देखने के बाद आप बता सकते हैं कि किस तरीके से एंजॉय की जा रही है यहाँ पे। तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ इस रोमांस में, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ, और ये रहे बच्चों को, काफ़ी ज़्यादा भीड़। ये रहे स्पॉन्स झूला, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे की काफ़ी ज़्यादा शरारत होती है इस झूले पे। तो ये भी एक झूला, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार बच्चों को। वहाँ देख सकते हैं आप इस तरीका से, हमें काफ़ी ज़्यादा झूलों में से ये झूला काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जो कि काफ़ी ऊपर लेके जाएगा और वो गोल गोल घुमा रहे हैं। फिलहाल चलते हैं इसी झूला पे, देखते हैं कैसा लग रहा है। इस झूले के जस्ट बगल में ये भी झूला काफ़ी ज़्यादा देखने में अच्छी लग रही है। तो फिलहाल अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग गाड़ी, जो कि इलेक्ट्रिक कार है, जो कि इलेक्ट्रिक से चलती है। फिलहाल ये भाई साहब यहाँ ठोक चुके हैं, ये रहे स्टाफ जो कि सीधे करके आए। तो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ से फिर वो काफ़ी ज़्यादा टंकी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इधर में काफ़ी ज़्यादा देख लिया, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग यहाँ पे टॉय, काफ़ी टॉय की दुकान है। फिलहाल हमें इसकी ज़रूरत है नहीं, तो मैं इसके अंदर नहीं चलते हैं। तो फिलहाल चलते हैं यहाँ से आगे, ये रही हमारे इंडिया की स्मॉल ट्रेन, जो कि काफ़ी ज़्यादा बच्चे को पसंद आते हैं। तो फिलहाल आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि मज़े लेते हुए सारे बच्चे, और यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा लोग वेट कर रहे हैं इस स्मॉल ट्रेन पे चढ़ने के लिए। तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बच्चे खुश लग रहे हैं इस पे। तो फिलहाल वो रहे सामने मौत के कुएं, जिसकी साउंड आप लोग इस वीडियो में सुन सकते हैं। फिलहाल क्योंकि बच्चों के साथ काफ़ी ज़्यादा एजेड आदमी भी मज़ा लेते हुए इस झूले का, जान समझ सकते हैं कि इस वीडियो में कितने ज़्यादा मज़े आते होंगे इन बच्चों को, जो कि एजेड भी चढ़ गए हैं। तो ये हम समझते थे कि झूले वाले, लेकिन इनसे बात किए तो ये बताए कि हम झूले वाले नहीं हैं। काफ़ी ज़्यादा भीड़ आप देख सकते हैं, ये हंटर हाउस, जो कि आप समझ सकते हैं हंटर हाउस किस नाम से रखा गया होगा। इसके अंदर जादू दिखाई जाती है, जो कि हम लोग देखने वाले हैं नहीं। देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा एजेड लोग ब्रेक डांस का मज़ा लेते हुए, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसमें बच्चे को झूलना अलाउ नहीं है, तो फिलहाल इसमें बच्चे नहीं झूल सकते हैं। तो फिलहाल अगर बच्चे को झूलना अलाव है, तो आप एजेड होकर बच्चे को लेकर बैठ सकते हैं। तो फिलहाल देख सकते हैं ये सामने
आसमानी झूला भी यहाँ सामने नजर आ रही है, वो उसके पीछे सेम सी परिंद जहाज नजर आ रही है जो कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल एकदम साफ साफ। ये वही आसमानी झूला है जहाँ पे सौरभ जोशी ने झूला झूला था। तो फिलहाल पास से दिखाने की कोशिश पूरी करूँगा। हाँ, ये गेम का बेस्ट है जो कि आप देख सकते हैं, यहाँ बोर्ड 6 गेंदों के नंबर जोड़कर नीचे लिखे नंबरों पर ही इनाम मिलेंगे, जो कि आप यहाँ एक डब्बे में 6 गेंद है जो कि सारे नंबर लिखे हुए हैं, इस नंबर पे आए तो यहाँ वो सारे आइटम रखे हुए हैं जिस पे आप जो नंबर से आपकी जो गेंदें मिलेगी वो आइटम आपको दे दिए जाएंगे यहाँ से। तो 50 रुपये टिकट है इनके एक गेम खेलने के लिए, एक चांस खेलिएगा तो इस पर 50 रुपये देने पड़ेंगे। तो फिलहाल काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली, इसके जस्ट बगल में वो रिंग वाले भी गेम है जो अलग भाई साहब के हैं, तो फिलहाल वहाँ नहीं चल के यहीं को, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अमेजिंग लेकिन कॉस्टली होने के कारण हम लोग इसे खेल नहीं पाएंगे। तो हम लोग यहाँ घूम चुके हैं तो फिलहाल चलते हैं यहाँ से आगे और फिलहाल देखते हैं आगे क्या बात है। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हुए तो चलते हैं, देखते हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ है आगे को, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है तो फिलहाल देख सकते हैं आप इस वीडियो में हैं बच्चे को झूलने के लिए झूले। तो फिलहाल अभी देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बच्चे बैठे हुए इस पे, जगह अभी नहीं है यहाँ पे, तो चलते हैं फिर आ गए यहाँ से कि कोई भी आइटम आप ले सकते हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ 40 रुपया प्राइस है, यहाँ से लेकर वहाँ तक कोई भी आप आइटम ले सकते हैं। तो आप यहाँ कोई भी आइटम कृपया पैसे कैश काउंटर पर ही जमा करें, तो ये तो बात तो सही है कि हर आइटम यहाँ आपको 40 का ही मिलेगा, जो कोई सा भी आइटम ले लीजिए। तो घर के लिए यहाँ पे सभी सामान आपको 40 रुपया में ही मिल जाएंगे। फिलहाल बच्चे के टॉय यहाँ आप रेस्ट करके कुछ खाने पीने का अगर दिल हो तो यहाँ रेस्ट करके खा सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा सामान और ये वही दुकान है जो सौरभ जोशी दिखाए थे 20 रुपये, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ से कोई भी सामान ले सकते हैं। इधर के माल 50 के हैं, वो सामने वाले जो 20 के दिख रहे हैं वो 20 के हैं और इधर भी 20 के हैं। तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ चल रही है यहाँ पर, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। काफ़ी ज़्यादा भीड़, लगभग 4 से 5 घंटे हो गए हम लोग को यहाँ घूमते हुए, तो फिलहाल अभी निकलने की कोशिश में है। तो फिलहाल अभी देखते हैं निकल के, काफ़ी ज़्यादा भीड़ यहाँ से एग्ज़िट होने का ये रास्ता है जो कि आप देख सकते हैं, काफ़ी लोग आ रहे हैं तो उस साइड से हमें एग्ज़िट होना पड़ेगा। ये रहे हमारे गुल्लक सभी डिज़ाइन में, किसी भी डिज़ाइन में आप खरीद के इसमें कुछ पैसे अर्निंग करके रख सकते हैं। फिलहाल ये बच्चे ले चुके हैं तो ये खिलौने जो काफ़ी ज़्यादा इसमें लाइट भी जलती है, साइकिल की जैसे काम करती है तो फिलहाल जलती है और ये लिए अभी काफ़ी ज़्यादा भीड़। अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, फिलहाल कुछ और नहीं लेना है तो फिलहाल निकलते हैं रात को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा 10:30 के आसपास हो गई है। तो फिलहाल अभी निकलते हैं एक बार और, काफ़ी ज़्यादा नीचे आप देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ से एग्जिट होने के लिए निकल चुके हैं तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा आ गई है, क्योंकि हम अभी एग्जिट होने के लिए निकल रहे हैं यहाँ से। फिलहाल हम लोग एग्जिट हो गए हैं तो बाहर कुछ भीड़ पहले के मुकाबले में कम हो चुकी है, तो जो कि आप देख सकते हैं पहले के मुकाबले में भीड़ यहाँ कम हो गई है। तो एग्जिट होते हुए गेट से हम लोग काफ़ी ज़्यादा रोड पे आ गए हैं, तो जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं निकल गए हैं हम लोगों को। आप ऑटो के लिए निकलना पड़ेगा तो फिलहाल ऑटो के लिए देखते हैं कि कब ऑटो मिलती है।